आप क्या कहना चाहते हैं जरा बताएं। हमने तो इमरान खान साहब को इसलिए वोट दिया था कि ये ख़त्म करें महंगाई वगैरह को। अभी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसका मर्जी जो मूड हो रहा है बेच रहा है रेट पे। प्याज कहाँ से कहाँ पहुँच गई, टमाटर 200 रुपये भी बेच रहे हैं, कोई 160 बेच रहे हैं, प्याज 80 रुपये, आलू 80 रुपये। गरीब आदमी क्या खाएगा बताएं। बेसिक चीज़ें प्रोवाइड नहीं करें, नान रोटी आपकी जो बिक रही है 8 रुपये की रोटी बिक रही है, गरीब आदमी खा सकता है वो बेचारा? 15 रुपये का नान है, जिसके 10 बंदे हैं 150 रुपये के तो नान के इसके बेचारे के। अब बताएं किस तरह की सेवा करें। आपने दिया ना वोट, तो दिया हमने वोट, तो हमने बेहतरी के लिए दिया है ना। फिर आप क्या कहेंगे उनको? हम उनको यही कहेंगे कि कंट्रोल करें इसे, जो आपने यहाँ पर वजीर आला बिठाए हुए हैं पंजाब में वो चेक करें, चेक एंड बैलेंस रखें। काम कर रहा हूँ पंजाब में, पता नहीं कौन सा काम कर रहे हैं, हमें तो नजर नहीं आ रहा कोई काम। आपको नजर आ रहा है कोई काम? मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई काम नजर आ रहा है किसी को भी। हर बंदा जिन्होंने वोट और इनका जो था परेशान है, किसी इनके बंदे ने विजिट नहीं किया किसी एरिया में भी अपने। चले ठीक है, ठीक है बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। क्या खरीद रहे हैं? प्याज। प्याज महंगा सस्ता? 20 रुपए का है। अच्छा, की कहो के फिर सब्जी महंगी चल रही है कि सस्ती चल रही है? महंगी 100 तो घट कोई है कौन नहीं, कोई मंगी खाना पीना आराम होया है बस। किवें तो हो रही की? आलू 80 रुपए किलो, जेड़ी मर्जी सब्जी लो 100 150 150 घट है। क्यों कसूर किंदा फिर क्यों नहीं मसला हल हो रहा है? कसूर हुन सब नु पता किंदा है, मिन दस दो मिन ते नहीं पता किंदा। वो तो हुन गल है कि हुन तो जीना हराम है, एक एक लॉकडाउन ने भाजे खत्म किया है वाम नु। असि आप मजदूर बंदे है, की में निजाम चलदा गुजारा के निजाम बस ओ अल्लाह ताला चलान दे। चले और बंदे ते अपना कसर को नहीं। चले थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, क्या हाल है भाई? सब्जी खरीद के आ रहे हो? आओ जी सब्जी खरीद रहे हैं। की किवें मिली फिर? गल है कि जो मर्जी हो जाए। अच्छा, ये भी काम रहना है तो रोहिए पिटिए कि के जो बीती हो तो फिर निपटनी पैनी है, हुन जिंदगी दे दिन तो पूरे करने ने ना। अच्छा हां जी, ते क्यों इशू क्यों है, मायूसी क्यों है इन्नी? देखो ये गल है कि जी 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 बोली जाओ बोली जाओ। गल है हां जी हां जी, और की है जो भी गल है दसो थानू मौजूदगी की भी यार साडे हुकमरान नहीं चंगे। अच्छा, वो जो चंगे हुन ते कंट्रोल कीता जावे ते कानू कोई गरीब आदमी फिसे। ठीक है बिल्कुल, हुन लोकां दे पेट भरना ही है, औखे सौखे होके जिवें भी है लोकां ने खाना खाना है, खाना खाना है, बच्चे निके निके उन्हां नू भुख्या नहीं मारना। बिल्कुल ठीक है, औखे होणी है सौखे होणी, उन्हां दा खादा गुजारा करना ही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ? ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2-4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿ 1200 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੇ ਕਾਰ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਬਸ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਆਲੂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। बस क्या कह सकते हैं भाई साहब, जो भी कह सकते हैं बता दें। कौन कौन सी सब्जी महंगी हुई? मैं आलू ही लेने आए हैं बड़े भाई। अच्छा, इनसे ले रहे हैं। कितना रुपए किलो? 80 रुपए कह रहे हैं जी। 80 रुपए? पहले कभी कितने के लिए थे? ये 2 दिन पहले लिए, 70 रुपए किलो लिए हैं। अच्छा, 2 दिन में 10 रुपए रेट बढ़ गया? जी ऐसे ही है। क्या वजह समझ आती है आपको? क्या कह सकते हैं, हर चीज़ महंगी है, क्या करें हम, इनका भी कसूर कोई नहीं है। किराए इतने महंगे, हर चीज़ इतनी महंगी है। कसूर किसका है? हमारा अपना ही कसूर है जी। कैसे? बस हम हर चीज़ को जो ना हुकूमत पे डाल देते हैं, हर चीज़ लोगों पे डाल देते हैं कि वो इतने कमा रहा है, वो इतने कमा रहा है। हम जहाँ पर हमारा बस चलता है वहाँ पर छुरी फेरने को तैयार होते हैं। इसका मतलब है आप समझते हैं कि महंगाई नहीं है? हर चीज़ के दौर के साथ साथ ही ना, हर चीज़ के साथ साथ ही है ना। अच्छा नहीं, अभी आप क्या समझ जाए सब्जियाँ महंगी हैं कि नहीं है? वो तो ज़ाहिर बात है महंगी तो है। कंट्रोल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कौन क्यों नहीं कर रहा? बस ये हम क्या क्या कह सकते हैं, किसके कहते हैं उसके अंडर पे वो कहते हैं वो करेगा वो करेगा वो करेगा, अब किसके पास जाएं? किसके पास जाएं जी, कोई पता नहीं किसके पास जाएं जी, हम इनके पास चले जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। वालेकुम सलाम। इमरान साहब शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे कर रहे हैं, तेनू अल्लाह ही पूछेगा। किसको किसको? इमरान खान को। इमरान खान को अल्लाह पूछेगा? हाँ। अल्लाह तो हर किसी को पूछेगा। पूछा है ना, अवाम भी पूछेगी। क्या वजह? शाबाश जो करे, बहुत उसने काम ही बहुत खराब किया, कारोबार बढ़ाने लगा अब कोरोना का। कभी ये करना है कि ये खुद कारोबार बना रहा है। अच्छा, बनाने के चक्कर में फिर रहा है। महंगाई है कि नहीं? महंगाई जबरदस्त है। कितनी है? जो कर रहे अपने मन में ही कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कैसे काम चलेगा, कैसे काम ठीक होगा? काम यही है कि अपने पंफलेट छापे या बयान दे कि भाई महंगाई को कंट्रोल करो, जो बढ़ रहे हैं मैं भी कंट्रोल कर रहा हूँ, कंट्रोल करो। नोटिस लेना चाहिए नोटिस को? हाँ जी। तो जिस चीज़ का नोटिस? नोटिस तो लेता है। अच्छा, लेकिन बात सुने, नोटिस ये होना चाहिए कि जो गरीब है वाम की मंडियाँ या अमीर है ना, उधर भेजे हर एक को कि भाई कंट्रोल करो अपने आप को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, बस कंट्रोल करना चाहिए। हाँ जी। चले थैंक यू वेरी मच जी। दाद दी है, शाबाश जो कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं बच्चे।
चले जी, जो कर रहे हैं जी ठीक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है जी? सब्जी पहले भी खरीदने आए हैं कभी? हाँ जी बिल्कुल खरीदी। अच्छा तो अब क्या सूरत हाल है सब्जी, क्यों रेट आपको लगता है कि महंगा हो गया? एक तो समझ नहीं आती कि रेट हाई क्यों होता है, पहली बात तो यही है। दूसरी बात है लेना तो मजबूरी है क्योंकि घर में सबने बच्चों ने खाना पीना सब कुछ चलना ही ठीक है। तो बस ये है कि जिनको खुदा का खौफ नहीं है वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं, उनको ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हम तो मेहनत करके अपना काम कर ही रहे हैं, हम तो यही कह सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने किसी को कसूरवार नहीं ठहराया है? कसूरवार क्यों नहीं? कौन कसूरवार है? जाहिर बात है हमारे हुक्मरान ही है, जो हम पे हम पर जो मुसल्लत है वो हमारे हुक्मरान ही है। तो कहते हैं हमने आवाम को रिलीफ दिया है। क्या अच्छा रिलीफ दिया हुआ कि खाने से भी गए हुए हम लोग, कि चीज़ें लेने से सोचते हैं पहले चार दफा के क्या लें आज, तो कमी पेशी कर लें, कुछ यही सोचते हैं बस। मायूसी है, परेशानी है। बिल्कुल सही बात है, सबके लिए है, सबके लिए बनी हुई है। कोई पैगाम देना चाहें यार? वो अनकरीब इनके लिए भी बनने वाली है यही। अच्छा, इनके लिए मायूसी? यही बात है और क्या। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई जान। रक्षा चला रहे हो जी, तो सब्जियां भी खरीदते हो कि नहीं खरीदते? सारा कुछ खरीदने जी, बेड़ा गर्क होया पे सारे कमां दा। अच्छा, इन्नी महंगाई है, ना आटा लिता जा रहा है, ना सब्जी लिती जा रही है, ना बिजली के बिल तारे जा रहे हैं। तो गाल तो ना कड़ो तुसी? गाल ना कड़ी अपने आप नूं मारन वाला काम होया पे, गाल ही गल कर रहे हो, अपने आप नूं खुदकुशी करन वाला काम होया पे। वजह क्या है? पैसा कमाया नहीं जांदा? कमाया गया सुबह से निकले हैं 7 बजे से। अच्छा, यह वेख लो जो 300 रुपया कमा के बैठे हैं, किवें गुजारा किवें होंदा सिस्टम? किस तरह ये तो उधार लेने दिता नहीं जाता, 30,000 रुपया बिल आया बत्ती का। अच्छा, वो नहीं तरिया, दूजा फिर आ गया, अगले मीटर कट्टन आ रहे हैं। ते सब्जी जो खरीदने जाते हो, आलू प्याज अदरक, तो जेन च की आंदा? परसों मैं सब्जी लैन गया जी घर दे वास्ते। अच्छा, फोन किया सब्जी लेइयो आंदे? ठीक है। 80 रुपये किलो गोभी, ओए होए, 70 रुपये किलो आलू, ठीक है। ना मैं अदरक लै गया घर, ना टमाटर लै गया, सिर्फ प्याज तो गोभी तो आलू लै गया घर। हालात किन्ने पता किए ने? हालात किन्ने किए, कड़ा तब्दीली लिया रहे उन्हें किए, तब्दीली आ गई मेरे होर हो, गाल कट दे, गाल ना कटिए तो की करिए, एक आधी तब्दीली सानू तो उ चंगे सी अल्लाह के बंदे। 50 रुपये किलो चीनी मिल रही थी, 60 रुपये किलो आटा मिल रहा थी, हूँ 4 दुकाना फिर के आटा लिया जाके चक्की तो महंगा। मायूसी है, परेशानी है। 100 रुपये का आटा लै गया 100 रुपये का, किमें मसला हल होएगा फिर? ये अल्लाह ताला ये इन्हों कोई अकल देगा, कोई इन्हों दसेगा माड़िया बंद ख्याल करो, तो फिर ही है होर तो कोई अल्लाह ताला ये इन्होंने दिमाग च पावे, इन्हों को समझ आवे, क्योंकि साढ़े तो दुनिया माड़ी भी है थले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी। आपने सुना मायूसी है, परेशानी है, महंगाई है, क्योंकि आलू टमाटर प्याज अदरक लहसुन शिमला मिर्च बंद गोभी गोभी तमाम सब्जियों के रेट जो हैं वो 70-80 रुपये किलो से बढ़ चुके हैं। कोई भी सब्ज़ी जो है वो 100 रुपये से कम नहीं खरीद सकते। अगर आपने कोई भी एक दिन में घर में सब्ज़ी पकानी है एक वक्त के लिए, तो वो आपको कम से कम 100 से 150 रुपये पैसे खर्चने पड़ेंगे, और जो फ्रूट है वो भी इसके मिलते जुलते जो प्राइजेज़ हैं उनको पर जा चुका है। आवाम की शिकायत है कि कंट्रोल नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो मुतलका अदारे हैं हमारे प्राइस कंट्रोल लिस्ट वाले उन्हें आना चाहिए ताकि रेट के ऊपर मुनासिब जो है वो नज़र रखी जाए, ताकि रेट जो है वो इसके कम होने चाहिए। दुकानदारों के अपने गिले शिकवे हैं, जो आम आवाम है उनके अपने गिले शिकवे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क में आसानियां पैदा करे, और ख़ास तौर पर जो बुनियादी चीज़ें हैं हमारी सब्ज़ी फ्रूट हैं वो उनके रेट जो हैं वो कम से कम हो, ताकि आम गरीब आदमी तक भी इसकी रसाई मुमकिन हो सके। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।